सभी को नमस्कार करता हूँ। ये हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है जो कोट भलवाल में है, और इस प्रतिवर्ष हमारा एक अखिल भारतीय युवा महोत्सव होता था। इस वर्ष से हमने जो हमारे अन्य विद्यालय हैं, संस्कृत महाविद्यालय हैं, उनको भी ऐड किया है, और 4 जोन में इसको अलग अलग जोन में कर रहे हैं। तो नॉर्थ जोन का युवा महोत्सव जो है इस वर्ष जम्मू में कर रहे हैं, और हमारा जो श्री रणवीर परिसर है वह श्राइन बोर्ड से के साथ मिलकर इसका आयोजन हम कटरा में कर रहे हैं। और इसमें है कि संस्कृत के जो हमारे 4-5 स्टेट जो है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस सब के एक जोन में है, और यहाँ से चुन के जो छात्र आएंगे संगीत में, नृत्य में, क्रीड़ा में, उस सब का स्पर्धा हम यहाँ कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। और ये कटरा में सांस्कृतिक, शैक्षिक और क्रीड़ा, ये 3 तरह की स्पर्धाएं होंगी। और मज़ेदार बात है कि संस्कृत में ही कमेंट्री भी होगी क्रीड़ाओं का, जो कबड्डी होगा, जो बैडमिंटन है या मल्लयुद्ध है, ये सब सारे नृत्य है, नृत्य स्पर्धा है वह भी संस्कृत में ही है, तो संगीत स्पर्धा है वह भी संस्कृत में है। तो सारी स्पर्धाओं का आयोजन संस्कृत माध्यम से किया जाएगा, जिससे ये करना है कि संस्कृत के छात्र भी इन क्रीड़ाओं में आगे बढ़ सकते हैं, इन स्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। और जम्मू कश्मीर तो संस्कृत की धरा है, यहाँ शारदा देवी का महत्वपूर्ण महत्व है, और कहलन विहलन, अभिनव गुप्त इत्यादि बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जो भारत के गिने चुने विद्वान हैं। तो और संस्कृत हमारे दिनचर्या में है, जब हम कुछ न कुछ घर में भी बोलते हैं तो कोई ना कोई संस्कृत शब्द उसमें आता ही है। तो संस्कृत को स्थान मिले, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी सांस्कृतिक भाषा के रूप में इसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। और तब बढ़ावा तब होगी जब संस्कृत के छात्र इतने दिन समझते थे कि केवल संस्कृत पूजा पाठ करने के लिए हम पढ़ते हैं, अब क्यों, पूजा पाठ से आगे बढ़ना चाहिए, और संस्कृत पढ़ के बहुत सारे IAS IPS भी बनते हैं। तो इस तरह अगर संस्कृत के छात्र को एक नैतिक विकास किया जाए, उसका मॉरल डेवलपमेंट हो, और वो समझे कि हम गर्वान्वित अनुभव करें जो हम संस्कृत के छात्र भी क्रीड़ा स्पर्धा कर सकते हैं, नेशनल लेवल तक खेल सकते हैं, ये अगर उसके मन में भावना आए और वह आगे बढ़े तो संस्कृत के लिए भी बहुत जगह खुली हुई है, सब जगह वो भाग ले सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। यही इस युवा महोत्सव का उद्देश्य है। हम आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को भी कहेंगे कि आके देखें जो संस्कृत के छात्र भी किस तरह प्रोफेशनल के रूप में वहाँ क्रीड़ा करते हैं। धन्यवाद।